किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था। और पता है इतनी बड़ी गाड़ी थी उसके पास, और उससे भी बड़ी गाड़ी में उसने अपने गार्ड्स बिठाए। कॉन्फिडेंस देती है ड्राइवर को कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे एक्सेलेटर दो, मैं निकलूंगी और कहीं भी जान नहीं छोड़ूंगी। ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। कॉन्फिडेंस देती है ड्राइवर को कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे एक्सेलेटर दो, मैं निकलूंगी और कहीं भी जान नहीं छोड़ूंगी। ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है। गाड़ी है भाई, नाइस कार ब्रो। जॉब क्या करते हो यार? जॉब बिजनेस करते ब्रो। ये अकेले क्या कर सकता है, क्या उखाड़ देगा? मैं अकेले क्या कर सकता हूँ ये तो वक्त ही बताएगा। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। एक आदमी मर्सिडीज के शोरूम में गया, गाड़ी ली, खरीदी नई की नई, और लेके गया, और 5 किलोमीटर जाने के बाद बंद हो गई। तो उसने फोन किया, अरे ये तो बंद हो गई, तुम्हारी मर्सिडीज है, इसकी तो इज्जत खराब हो गई। नहीं नहीं सर, आप कौन सी वाली गाड़ी लेके गए हो, थोड़ा बोनट खोल के देखो। बोनट खोला, अरे इसमें तो इंजन ही नहीं है। हाँ अरे सर आप गलत वाले ले गए, उसमें तो इंजन ही नहीं है, आप वापस आओ, दूसरे लेके जाओ। तो उसने बोला, अरे सर ये 5 किलोमीटर कैसे आई? कि सर इतनी तो मर्सिडीज की इज्जत है, 5 किलोमीटर। गाड़ी है भाई, नाइस कार ब्रो। जॉब क्या करते हो यार? जॉब बिजनेस करते ब्रो। शकत पकत लकला।